राजस्थान में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पे क्या रणनीतिक परिणाम देखते हैं? राजस्थान में मेरी नज़र में जो जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग हुई है पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में और जिस तरह की वोटों की कटिंग हुई है बीजेपी की, मोदी लहर में आप ध्यान करें तो 2013 में लोकसभा की 200 में से 163 सीटें बीजेपी को आई थी और उसी आधार के ऊपर लोकसभा में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई थी। उस आधार पे अगर देखा जाए, जो इसके आंकड़ों का खेल खेलते हैं उसी हिसाब से, इकोनॉमिक्स में जिस तरह से कहा जाता है उसी तरह से ये आता है कि जब इनकी कांग्रेस 99 पे चली गई और कांग्रेस की थी 20 या 22 सीटें, मेरे ठीक से याद नहीं है, इतनी सीटों से अगर ये वहाँ पे छलांग मार के चली जाती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कहाँ नीचे आके गिरती है। इसलिए मेरे नज़र से ये लगता है 25 की 25 में कांग्रेस जीतेगी, जिसमें से बीजेपी तो 24 लड़ रही है, वो जाति के आधार पे इन्होंने दिए, लेकिन वो भी अनुमान भी जीतने लायक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनुस, राजेंद्र, वसुंधरा ये सब डेडली अगेंस्ट है उसके। तो हाँ, कम से कम पहले विधानसभा चुनाव में 8 से 9% गिरे थे, लेकिन अब 11-12% तक गिरेगा, क्योंकि मोदी जी ने जिन बातों को छेड़ा है, एक तो जो सेना को छेड़ा है, राजस्थान के बहुत से सैनिक हैं जो फौज में हैं, सेना में हैं, और जिनके अभी आने सब बंद हुए, वरना हर हफ्ते में दो तीन सब आते थे, वो लोग अब इस चीज़ को सुनने के लिए गाँव के गाँव तैयार नहीं है कि सेना के नाम पर कोई वोट मांगे और राजनीति करे कोई। इसलिए ये मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और बन गया, चाहे वो गाये बगाए या जानबूझ के कहा गया हो या अनजाने में कहा गया, जो इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि अगर बीजेपी आएगी तो उनकी कश्मीर समस्या का हल होने की संभावना बढ़ जाएगी। वही सवाल अब 5 साल पहले बीजेपी ये कहती थी कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अब वो उल्टी पड़ गई है, उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी राजस्थान में कोई सीट जीत पाएगी।